आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दो प्याजा। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप। मटन दो प्याजा यानी डबल प्याज पड़ेगा, दो प्याजा, एक किलो में दो किलो प्याज या फिर 250 ग्राम है तो हाफ के जी प्याज पड़ेगा। और इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज लिया है मैंने, अदरक लहसुन नमक हल्दी मस्टर्ड ऑयल, दो तेज़पात लिया है, ये गोल मिर्च है, दो सिनेमन स्टिक है, बड़ी इलायची है, लौंग है, छोटी इलायची है और साबुत लाल मिर्च है। ये बहुत इजी बन जाती है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। मैं सिर्फ अदरक और लहसुन को उखली में कूटूंगी और बाकी मैं खड़ा मसाला डालूंगी मटन में। बस अदरक लहसुन को मैंने डाल दिया है और मैं कूच रही हूँ उसे। अदरक लहसुन में कूच रही हूँ, मेरा बकरा जो था 4 से 5 किलो का था, ये इसीलिए मैं अदरक कूच रही हूँ, नहीं तो आप कुकर। अदरक लहसुन हो गया है, अब हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने मटन ले लिया है कढ़ाई में, इसमें मैं डालूंगी प्याज, सब मुझे खड़ा ही डालना है मसाला, साबुत कोई मुझे, बस अदरक लहसुन बस कूच के डाला है मैंने, दो सिनेमन स्टिक, दो तेजपात, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, दो बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, नमक हल्दी, लौंग, काली मिर्च, और ये मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जितना लेना है आपको, कम लेना है या ज़्यादा लेना है। मैंने मीडियम लिया है, ज़्यादा भी नहीं लिया है, कम भी नहीं लिया, हाफ के जी में ले लिया है 25 ग्राम। और अदरक लहसुन जो मैंने कूचा था, इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और इसको ढक के 10-15 मिनट बाद खोलना है। अच्छे से मैंने मिला लिया है, अब इसे तेज आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि प्याज वगैरह सब अच्छे से गल जाए। तेज आंच करना है पहले, बाद में कम करना है। मैंने ढक के छोड़ दिया है 10-15 मिनट के लिए। मुझे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये प्याज खुद पानी छोड़ेगा, बिना पानी के बनाऊंगी ये मैं मटन, पानी खुद छोड़ेगा प्याज, देख रहे हैं आप, ये शीशे पे पानी भाप बन रहा है। अब ये पकेगा 10-15 मिनट, उसके बाद मैं हल्का करूँगी। देखिए दोस्तों कितना पानी छोड़ दिया है, मैंने पानी बिल्कुल ही नहीं डाला था। अभी मैं इसको नहीं खोलूँगी और 5 मिनट बाद में खोलूँगी ताकि प्याज गल जाएगा और उसके बाद मैं बताऊँगी। ये देखिए दोस्तों कितना पानी छोड़ा है, अभी मैं आँच धीमा कर दूँगी, अभी मुझे मटन को गलाना है पानी के साथ, इसलिए मीडियम आंच कर दूंगी अभी मैं। देखिए दोस्तों पानी है अभी और मटन भी अभी गला नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं मटन गलने के लिए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हमको मसाला भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है बस। देखिए दोस्तों मटन गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, मैंने धीमे आंच पे पकाया है इसे। अब मैं थोड़ा सा मीडियम आंच कर दूंगी और इस पानी को भूनूंगी मसाले को। मैंने बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था,
आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ये प्याज का ही पानी है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक पानी सूख जाए और कलर थोड़ा चेंज हो जाए इसका, और ऑयल भी छोड़ दे, बस उतना ही भूनना है हमें। उसके बाद हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करूँगी। देखिए दोस्तों, ये भून चुका है मटन और ये तेल भी छोड़ दिया है इसने, ऑयल भी छोड़ दिया है इसने तेल। ये बहुत इजी बन जाती है और कहीं से आओ तो बना दो। देखिए दोस्तों, ऑयल छोड़ दिया है इसने मटन ने, मैंने पानी उनी बिल्कुल नहीं डाला था। अब ये हो गया है, इसे नींबू और अदरक और प्याज के साथ गार्निश करूँगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है मटन दो प्याज, इसमें कोई किसी तरह का झंझट नहीं है। कहीं से आइए तब भी बना लीजिए, जॉब वाली लेडीज जो हैं टाइम नहीं मिल पाता है उनको, ये एकदम ईजी है। ये मैंने तो ये कढ़ाई में बनाया, वैसे आप कुकर में बनाने से और जल्दी बन जाती है, लेकिन मुझे कढ़ाई वाला पसंद है इसलिए मैंने कढ़ाई बनाया। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।